नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मन में हमेशा ये डाउट बना रहता है कि भाई मुझे ये बताओ कि यदि हम अपने चैनल से वीडियो को डिलीट कर दें तो हमारे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि आप एक नए नए यूट्यूबर हैं, अभी अभी आपने चैनल बनाया हुआ है, यदि आप पुराने यूट्यूबर हैं, यदि आपने चैनल बना लिया है और आप यूट्यूब पर काम करते जा रहे हो और यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर रहे हो तो आपके चैनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यदि हम अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो को डिलीट कर देंगे तो हमारे चैनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यदि आपकी दूसरों की वीडियो को उठाकर, यदि आपने किसी दूसरों की वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का जो है खतरा रहता है कि कहीं वो दूसरा व्यक्ति हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दे जिसकी हमने वीडियो को अपने चैनल पर डाला हुआ है। यदि आपने डाला हुआ है किसी दूसरे की वीडियो को तो अभी आप डिलीट कर दे, क्योंकि जब आप उसकी नज़र में आएंगे तो वे आपको बता भी सकता है कि भाई आपने मेरी वीडियो डाली हुई है तो आप इसे रिमूव कर दीजिए, तो आप रिमूव उसे कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट स्ट्राइक दे देते हैं और चैनल हमारा रिस्क में आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि दूसरों की वीडियो हमने डाली हुई है तो आप उसे डिलीट कर देना। हाँ, यदि आपने खुद की वीडियो मेहनत कर आपने एक वीडियो बनाई और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते चले गए, फिर आपके मन में हुआ कि हमें ये वीडियो पसंद नहीं आई, तो आपने क्या किया, उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मान लीजिए आपने किसी एक वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया तो आपके चैनल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों जब आप YouTube से उस वीडियो को डिलीट कर देंगे तो आपका उस वीडियो पर जितना भी वॉच टाइम मिला होगा वो घट जाएगा, उस पर जितने भी व्यूज होंगे वो माइनस हो जाएंगे जितने आपके व्यूज होंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आपके चैनल पर 5000 व्यूज हैं, ठीक, मान रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए उस वीडियो पर आपके 500 व्यूज थे तो आपने वीडियो डिलीट कर दी, जितना वॉच टाइम था वो तो कम हो ही जाएगा और साथ में 500 व्यूज भी कम हो जाएंगे, फिर आपके वहाँ पर 4500 व्यूज देखने लगेगा। मतलब कि आपका जो है वॉच टाइम कम हो जाएगा और आपके जो व्यूज हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन उस पर जितने भी सब्सक्राइबर मिले होंगे वो सब्सक्राइबर्स आपके उतने ही रहेंगे। हाँ, और आपकी जितनी हुई अर्निंग होगी उस वीडियो की, मान लीजिए आपने आज वीडियो को डिलीट किया है, आज से पहले की जितनी भी अर्निंग होगी वो तो आपको पूरी मिलेगी, लेकिन आज के बाद तो आपकी वीडियो पर व्यूज आएगा ही नहीं और उस पर अर्निंग भी नहीं होगी। शायद आप जिस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर रहे हैं इसलिए शायद उस पर 5 से 10 व्यूज है या 10 से 20 व्यूज है, शायद कभी ना कभी आपकी वही वीडियो वायरल हो जाए और उसी वीडियो से आप फेमस हो जाए। यदि आपकी खुद की वीडियो है, खुद से आपने बनाई हुई है, तो आप उसे डिलीट ना करें तो अच्छा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूट्यूब से हमें वीडियो को डिलीट क्यों नहीं करना है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूजर नेम है rptechnical8920। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो उस पर भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, यदि अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी और वीडियो को देखिए।